देखो भौमाने होता है भक्ति, गौमाने ज्ञान, भौमाने वैराग्य और तौमाने तारुण्य। ये श्रीमद् भागवत की कथा का ये अर्थ है। भौमाने भक्ति, मन में श्रद्धा हो किसी भी चीज की, श्रद्धा के साथ तब ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बारे में जानकारी जानने की इच्छा होती है कि क्या चीज है। और जब ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान का व्यक्ति प्रयोग करता है, पर धर्म का जब ज्ञान हो जाता है मनुष्य को तो संसारिक चीजों से उसे विरक्ति आ जाती है। विरक्ति माने वैराग्य, जो कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जब उसे पता चलता है कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ ही छूट जाना है, तो उसे विरक्ति होने लगती है कि आखिर में इस जीवन में इतनी दौड़ धूप मारा मारी किसके लिए कर रहा हूं, अंत में तो मेरे साथ कुछ जाएगा नहीं, केवल धर्म साथ जाएगा, जो हमने यहाँ अच्छे कर्म किए हैं, किसी की सहायता की है वही साथ जाता है। कर्म आगे साथ साथ चलते ही जीव पीछे पीछे चलता है। ये हमारा जो पंच भौतिक शरीर है इसकी मृत्यु यही हो जाती है, मृत्यु लोक का हो जाए, वहां मृत्यु नहीं होती, इसके अंदर एक आत्मा है, आत्मा के निकलते ही, प्राण के निकलते ही ये शरीर नश्वर हो जाता है, किसी काम का नहीं। तो आत्मा अंगुष्ठ रूप, अंगुठी के रूप के बराबर आत्मा रूप धारण करती है, जैसी हमारी सकल सूरत है ऐसी आत्मा की सकल सूरत होती है। जब प्राण निकलता है जिसको हम प्राण कहते हैं, उसी शास्त्र में आत्मा कहा गया है। पंच भौतिक शरीर तो छूट गया, पर जो आत्मा है वो नहीं मरती, अजर है, अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में लिखा, वासांसि जीनानि यथा विहायो वासांसि जीनानि यथा विहायो। जिस प्रकार से हम अपने पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते उगते आते हैं, उसी प्रकार से शरीर पुराने, आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में भटकती है, जैसे कर्म के नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय दीना यन्यानि सय्याति नवानि देहि। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, इसलिए इस शरीर का सत्प्रयोग है, इस शरीर से अच्छे काम करें, धर्म का काम करें, अंत में इस शरीर से जो पुण्य हमने एकत्रित किया है वही पुण्य साथ जाता है। और पुण्य को अर्जित करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए ही कथाएं वार्ताएं होती हैं। मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और कितने दिन मुझे यहाँ रुकना है, यही ज्ञान हमें कथा के माध्यम से मिलता है। तो सूत जी यही कथा 84 लाख सुना रही है। राजन मोचम तथा विक्षण राधाता सत्यलोकं लां भगवान्
सूत जी कहते हैं इसे, ब्रह्मा जी के चार जो है मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 5 वर्ष की इनकी अवस्था रहती है। हैं ये बड़े बुजुर्ग परंतु 5 वर्ष के ही रहते हैं, विरक्त हैं, भगवान के भजन में बड़ी मस्त रहते हैं। ये बद्रीनाथ में चारों भाई तप कर रहे थे,